वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबा कर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। कोरोना के रिकॉर्ड केसों के बीच देश को इस महामारी से लड़ने के लिए एक और हथियार मिल गया है। केंद्र सरकार ने रूसी कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक वी को भी आपातकालीन मंजूरी दे दी है। वैक्सीन मामले की सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने रूस की स्पुतनिक वी को मंजूरी दे दी, यानी अब भारत में इस वैक्सीन का इस्तेमाल किया जा सकेगा। सूत्रों की माने तो स्पुतनिक द्वारा ट्रायल का डाटा पेश किया गया, जिसके आधार पर यह मंजूरी मिली है। देश में एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की ओर से तैयार कोविशील्ड और भारत बायोटेक ICMR के टीके को वैक्सीन को पहले ही मंजूरी मिल चुकी है और इनकी 10 करोड़ से ज्यादा खुराक लोगों को दी जा चुकी है। इस वक्त देश में वैक्सीन की कमी को लेकर हंगामा मचा है। इसी बीच स्पुतनिक V5 को मंजूरी मिलना भारत के लिए फायदेमंद साबित होगा। चलिए आपको स्पुतनिक V वैक्सीन की खासियत बताते हैं। देश में अभी 2 कोरोना वैक्सीन का इस्तेमाल किया जा रहा है। सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन का भारत में इस्तेमाल किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक अगस्त तक भारत में करीब 6 वैक्सीन को मंजूरी मिल सकती है, ताकि ज्यादा से ज्यादा संख्या में डोज तैयार किए जा सके। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ओडिशा, यूपी समेत कई राज्यों में वैक्सीन की कमी रिपोर्ट की गई थी। महाराष्ट्र, ओडिशा में तो सैकड़ों सेंटर्स पर वैक्सीनेशन को रोक दिया गया था। ऐसे में लगातार मांग उठ रही थी कि दूसरी वैक्सीन को मंजूरी दे दी जाए, ताकि बड़ी संख्या में प्रोडक्शन हो और जरूरत पूरी की जाए। तो ऐसी खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।